गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरे को जल्दी जल्दी अपना सारा काम फिनिश करना है बिकॉज आज 11 बजे मेरी एक कॉलेज की मीटिंग है जिसमें मेरे कोऑर्डिनेटर शायद हमें कुछ समर टर्म का होमवर्क काइंड ऑफ कुछ प्रोजेक्ट वर्क देने वाले हैं। अभी भी मैं स्कूल में ही जी रही हूँ होमवर्क, तो कुछ प्रोजेक्ट वर्क है जो वो देंगे, तो इसलिए हमारी 11 बजे मीटिंग है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम करके थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा के रेडी हो जाऊँ, बिकॉज अगर अचानक से सर ने बोल दिया कैमरा ऑन करो तो फिर बहुत ही बेइज्जती होने वाली है। एंड से हाई टू माई न्यू वाटर बॉटल। हम लोग अभी जो मॉल गए थे तो वहाँ से मैंने ये बॉटल लिया था बिकॉज डॉक्टर ने मेरे को बोला है बहुत सारा पानी पीने को, तो मैं ये बॉटल लेके आई हूँ ताकि ये जब भी मेरे सामने रहेगा तो मेरे को रहेगा हाँ हाँ पानी पीना है, फिनिश करना है। सुबह उठ के इन लोगों का यही काम है। अगर मीठू उसमें से निकल गया तो क्या होगा तुम लोग का? डोंट वरी, मैं इतना सारा तैयार होके अपनी कॉलेज की मीटिंग नहीं अटेंड कर रही। मैं जा रही हूँ श्री दी जो कि ब्रांच की मैम है, मैं उनके साथ जा रही हूँ बाहर, जो हमारा सामान बिग बाज़ार में छूट गया था वो लेने। एंड आज मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, आज मैं थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। थोड़ा मन कर रहा है कि मैं बैठ के थोड़ा अकेले रहूँ थोड़ा, यू नो, बट आई कांट बिकॉज मेरे को बाहर जाना है सामान लेने, और मैं रह भी नहीं सकती ऐसे बिकॉज फिर मेरी वजह से बाकी लोगों का मूड ऑफ होगा और मैं ज़्यादा इस पर बोलूँगी भी नहीं बिकॉज मैं बोलते बोलते फिर अलग ही जोन में चली जाऊँगी। सो इग्नोर मी अगर मेरा मूड अभी थोड़ा आपको लो लग रहा है, बट ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा, इट्स ओके। एंड जहाँ कहीं भी है पापा, आई लव यू। एंड हाँ, छोड़ो ये सब, ये बताओ मैं सुंदर लग रही हूँ? बिंदी अच्छी लग रही है? मैं लाइनर से ही बिंदी लगा देती हूँ, इतनी मेहनत करनी ही नहीं कि हाँ ब्लैक बिंदी खरीद के लाओ एंड ऑल। और अभी आई एम वेटिंग कि श्रीदी जल्दी आए नीचे, और ये देखो नीचे, तो मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी आइए, उसके बाद हम जाएंगे स्कूटी राइड पे। गाइज, आज सबसे पहले मैं बाहर जाके ना मास्क लूंगी, सीरियसली आई एम डन विद दिस। मतलब ये स्टिच किया, स्टिच नहीं दी ने तो और भी कलाकारी की थी इसके अंदर छेद करके एंड ऑल, तो आज मैं एक ब्लैक मास्क लूंगी। और ये सैनिटाइजर हथियार की तरह धीमे को पकड़ा देती है। मैं जितना बाल खोल के स्टाइल में जा रही हूँ ना, वेदर ऐसा है, हैव अ लुक, कि मेरे को लग रहा है मेरे को बाल टाई करना पड़ जाएगा। मैं इधर ही वेट करती हूँ दी का। आ गई, देखो वाह, दी तो फुल प्रोटेक्शन में आई है। आप फुल प्रोटेक्शन में है बाल का? मेरे को तो लग रहा है कि अब चोटी करना पड़ेगा मेरे को भी। नहीं आई, कितने दिन बाद स्कूटी राइड? आज 3 बजे से पहले घर नहीं आने वाले। परसों एक सामान छूट गया था तो वो होगा ना अभी? ग्रे कलर का बैग था ये, हाँ हाँ, ये नहीं है, उसी कलर का है ग्रे। ऊपर में कहाँ? वो एक सामान छूट गया था अंदर। सही से बात करो भैया, ये कोई तरीका नहीं होता। कल आप कहाँ थी ऐसे पूछ रहे हैं क्या? शौक से तो कोई छोड़ के जाता नहीं है। तो बोल नहीं, नहीं तो ये क्या बिहेवियर हुआ पूछने का? क्या पूछते मैं नीचे कि कल कहाँ थी? तो कॉल करने से थोड़ी ना सामान घर पे पहुँच जाएगा, ये बिहेवियर नहीं होता ना कस्टमर से बात करने का। शौक से कोई नहीं छोड़ता अपना सामान। हम लोग बाहर से घूम के आ गए हैं और अब हम लोग बीकानेर से कुछ कुछ लिए थे जो डाइनिंग वहाँ अलाउड नहीं था। हाँ, कुछ था पनीर टिक्का बेकरी, पनीर बेकरी काइंड ऑफ, मतलब हम लोग को देख के अच्छा दिख रहा था तो हम लोग ले लिए क्या है। तो अभी हम लोग ये खाएंगे, उसके बाद ऊपर जाऊंगे, फिर आपको आगे की कहानी बताती हूँ। अभी घर पहुंची हूँ एंड यू वोंट बिलीव कि आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं व्लॉग अपलोड करना ही भूल गई। ऑल ऑफ अ सडन मेरे को याद आया कि शिट यार, आज तो मैंने व्लॉग ही नहीं अपलोड किया। और अभी ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं, इट्स 3:50 राइट नाउ, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं जल्दी से जा रही हूँ थंबनेल एडिट करने और व्लॉग अपलोड करने। तो
कल आप जब ये व्लॉग देखोगे तो आई एम रियली सॉरी कि मैं व्लॉग भूल गई थी, मैं थोड़ा मस्ती करने में बिजी हो गई थी। इतना मतलब हवा का फोर्स था वो, वही मेरे को कुछ ऐसा धम सा मेरे को कुछ आवाज आया था अभी। बाप रे, हाँ 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 हो रहा है। गाइस आज निधि के किचन में बन रहा है कटलेट, और इस कटलेट की रेसिपी मैंने बहुत सालों पहले यूट्यूब पे देखी थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत याद था कि कैसे करते हैं। तो ये ब्रेड रहा, नॉर्मल वाइट ब्रेड, इस पे पानी डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। फिर आलू का जो भी आपने मिक्सचर बनाया है उसको ऐसे अपने अकॉर्डिंग शेप में बॉल बना के इसके ऊपर इसको ऐसे रख के, और इसको ऐसे इसके अंदर फोल्ड करके इसको एक राउंड राउंड शेप देना है। और गाइस आज हम कटलेट इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि हमारा मन है खाने का। दी बताएगी हम कटलेट क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे थे? क्योंकि ब्रेड खराब हो चुका है। हो चुका है बोलोगे तो लोगों को लगेगा खराब ब्रेड खा रहे हैं। खराब नहीं हुआ है, मतलब दी को ऐसा लग रहा है कि गैस से रखा रखा कोई खा नहीं रहा है, तो क्यों ना हम इसका ब्रेड कटलेट बना ले जो भी होता है। और ये दो बनाया है हमने अभी तो फॉर वाटर चाहिए। क्या खाई हो? वाटर। क्या खा के आई हो? वाटर चाहिए। वाटर। वाटर खा के आई हो? वाटर। अभी भैया को पिट्टू हुआ है, तुम्हें भी होगा। गाइस मैं सोच रहा हूं कि आप वाटर की जगह इन लोगों को H2O सिखाओ, तो प्लीज कमेंट में बताना H2O ज्यादा अच्छा है या वाटर ही ठीक है। एक काम करो ना, उसे केमिस्ट्री का क्लास दिलवा दो तो बेहतर होगा। केमिस्ट्री क्लास जाओगी? ए हेलो गाइस, तो जैसा कि आपको पता है कि आज मैं बाहर गई थी, तो वहाँ से आने के बाद मेरी दी आपको पता ही है कितना ज़्यादा प्रिकॉशन लेती है, तो अभी वो मेरे को कह रही है कि तुम स्टीम लो। तो पिछले 2 महीने से मैंने एक बार भी स्टीम नहीं लिया था क्योंकि मैं बहुत ही हेल्दी कहीं जाती ही नहीं थी, घर में ही रहती थी। तो आज मैं बाहर गई हूँ तो मैं जा रही हूँ अभी स्टीम लेने। सो क्या गाइस, मैं 17 अप्रैल को आई थी हॉस्टल से यहाँ, मतलब घर यार लग रहा है, और आज एग्जैक्टली 2 महीने हो गए मेरे को आए। रिकॉर्ड तो रही हूँ स्टीम लेके, 2 महीने में पढ़ने लिए। 2 महीने में ये मेरा पहला स्टीम है, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर गई हूँ, ऐसे भी नहीं जाती। ऐसे डाल दें कटिंग? हाँ डाल दो, ऐसे डाल कटिंग कर दो। ओम नमः शिवाय। चलो भगवान, थोड़ी देर होते रहे ना। नहीं नहीं लेना शुरू करो। गाइस मेरे को लग रहा है कि मेरे को मारना चाहती है, मेरे को मार के मेरा प्रॉपर्टी और मेरा यूट्यूब हथियाना चाह रही है। उसका इसका शक्ल देखिए और बताइए कि उसको फोन मारना चाहेगा, पहले से मरी हुई लग रही है आधा खत्म बुढ़िया ना। ए इसका सब निकल रहा है, जल्दी करो। ये इसका इंसाफ कर लूंगी सुबह। हाँ, इंसाफ के तराजू पे ये तुम्हारा बच्चा सा, मतलब ये क्या है, ये ऐसे कौन है सेट कहां के रखा था गाइस? नीचे अभी नीचे गिर गया धप से। बच गई ना, पर ये नहीं बचेगा, जल्दी करो। सॉरी 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 यार, बहुत ज्यादा लग रहा है। मम्मी अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो आज मेरे को समझ आया कि तुम स्टीम में चीटिंग क्यों करती थी। सच में ये नहीं हो रहा है यार मेरे से। सुंदर हुए क्या थोड़े स्टीम से? थोड़ा पे ध्यान दो, सुंदर हुए। गाइज जब दी स्टीम लेती थी तो ग्लो करती थी, मेरे पे वो ग्लो नहीं आ रहा है। तुम मेरा यूट्यूब हथियाना चाहती हो और मेरा प्रॉपर्टी, मेरा जमीन अपने नाम करना चाहती हो। कितने का प्रॉपर्टी है भले ये तो बता दो। मान लो मेरा मुंह अगर कटोरी में गिर गया तो क्या होगा? कटोरी बेचारा जल के एकदम राख हो जाएगा। कैसी है यार नदिया, बहुत हो गया, देखो स्वेटिंग हो रहा है। हाँ तो ही लो, जब तक उसमें आ रहा है तब तक लेते रहना है। क्या कर रही है? कोई भी बढ़ नहीं है, तो अब फाइनल बाय हो गया। सच में ग्लो आया क्या शादी? देखो तो हाँ ग्लो आया है, बहुत आया है।
गाइस ग्लो आया ना, डार्क सर्कल ही खत्म हो गया तुम्हारा। जिन लोगों को अगर ऐसा लगता हो कि निधि मेकअप करती है तो सी माई नेचुरल ब्यूटी, देखो मैं हटा रही हूँ चेहरे पे, कुछ भी नहीं है। हाँ और क्या, नेचुरल ब्यूटी है। आप लोग का डिनर मेरा ही खाना देख के तो होता है, मेरे को पता है। जल्दी से ले लो एक बाइट ताकि लोग शुरू करें, कितने लोग बैठे होंगे ना देखने के लिए कब खाओगी, दोनों का पेट भरे। कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है, कौन ज्यादा ग्लो कर रहा है, ठीक है ना। रहो तुम घर में रहती हो, हम कॉलेज जाते हैं तो टैन हो गए। दो महीने से कॉलेज जा रही है ना, दो महीने पहले का टैन है। हल्दी और चंदन लगाना, चूना साफ हो जाओगी। चलो जल्दी खाओ। मेरी सास है ये, मेरी सास जरूर इससे टिप्स लेगी, या नहीं भी लेगी ना तो ये टिप्स देगी कि आप उसके साथ ऐसे करिए, ऐसे क्यों नहीं करती हैं। आई एम हैविंग रोटी, पनीर चिली और ये टेस्टी सा पुलाव, तो अभी मैं ये खाऊंगी, उसके बाद मैं आज बहुत जल्दी सोऊंगी, बिकॉज ये स्टीम लेके मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं सो जाऊँ। तो और एक और चीज़, जिन लोगों को आज बिग बाज़ार के आसपास जो इंसिडेंट हुई है वो नहीं समझ आया है, तो मैं उन लोगों को समझा दूं कि मैं जब आज सामान लेने गई थी तो वहाँ पे जो लड़का था वो मेरे से कह रहा था कि आप कल क्यों नहीं आई, एक्चुअली वो हमने परसों लिया था, तो मैं से कह रहा था आप कल क्यों नहीं आई, तो मैंने बोला कि मैं कल तो बहुत बारिश हो रही थी, मैंने कल कॉल किया था पूछने के लिए कि लाइक बिग बाज़ार खुला है या नहीं, या फिर अगर खुला है तो मैं ये बताने के लिए की थी कि मेरा सामान सही से रख देना, मैं कल आके लूँगी। तो वो मेरे को कहता है फ़ोन करने से क्या आपका सामान घर पे पहुंच जाएगा, मतलब मेरे को इतना रूड लगा उसका ये, मैंने वहीं पे उसको सुना दिया। क्योंकि एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि अगर आप चुप रहोगे ना तो लोग आपको लिटरली बोलते हुए चले जाएंगे, इसलिए ऐसे लोगों का ना बिल्कुल मत सुनो। वहीं पे मैंने उसको इंस्टेंटली सुनाया कि ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का, फिर वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, तो मैंने वही शूट किया। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं बता दे रही हूँ, बाकी सामान आ गया, मैं लेकर आ गई। एंड आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक फ्रेश मूड के साथ, और मैं कुछ ज़्यादा ही हेयर फ्लिप कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग, बाय बाय।